फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और मीशो हॉल। आज मैं मीशो से दो कुर्ते और एक साड़ी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको ये कुर्ता। ये ब्लू कलर का कुर्ता है इस तरह से, और इसके नेक पे आपको इस तरह से फ्रंट में पिंक कलर की पाइपिंग लगी हुई मिलने वाली है। और ये है ब्रांड जनक दुलारी क्रिएशन ब्रांड से है ये। और इस कुर्ते में आपको इस तरह से फ्रंट साइड में पूरे ही कुर्ते में इस तरह से आपको एम्ब्रॉयडरी मिलने वाली है। ये मिलता है आपको 3-4 स्लीव्स के साथ। इसकी स्लीव्स में भी इस तरह से पिंक कलर की पाइपिंग जो है वो आपको लगी हुई मिलने वाली है। और बात करें बैक साइड की, तो बैक साइड से बिल्कुल ही प्लेन है, एकदम सिंपल है। बैक साइड में कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं दे रखी है। जो एम्ब्रॉयडरी है वो सिर्फ इसके फ्रंट साइड में दे रखी है। काफ़ी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से, और काफ़ी क्लीन एम्ब्रॉयडरी है। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा धागे इधर उधर से निकल रहे हैं, बिल्कुल ही क्लीन है। आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। और इसमें आपको और भी काफ़ी सारे कलर जो है वो अवेलेबल हैं। इसमें मेरा साइज़ है मीडियम। और बात करें इसके मटेरियल की, तो ये रेयन का है और ये मुझे मिला है 320 रुपीज़ का। उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा ये कुर्ता है, आप देख सकते हैं। अगर आप कोई और कलर लेना चाहते हैं तो कोई और कलर देख सकते हैं। इसमें 4-5 कलर्स और अवेलेबल हैं सेकेंड कुर्ता। तो फ्रेंड, ये है हमारा सेकेंड कुर्ता इस तरह से। ये आपको इस तरह से राउंड नेक के साथ मिलता है। और ये है ब्रांड ताना बाना से। इसमें भी मेरा साइज जो है वो मीडियम है। ये भी आपको 3-4 स्लीव्स के साथ मिलता है। साथ ही आपको इसकी स्लीव्स में इस तरह से बटन लगा हुआ मिलने वाला है। ये बटन ओपन नहीं होता है, सिर्फ सो के लिए दिया हुआ है। और इसके नेक में भी आपको इस तरह से बटन जो है वो लगे हुए मिलने वाले हैं। इनमें से सिर्फ एक बटन ही ओपन होता है, ऊपर वाला जो बटन है सिर्फ वही ओपन होता है, बाकी कोई नीचे वाले जो बटन है ये ओपन नहीं होते हैं, सिर्फ सो के लिए दिए हुए हैं। और इसमें भी आपको मिलने वाली है इस तरह से एम्ब्रॉयडरी, आप देख सकते हैं। ये पूरा नीचे तक तो नहीं है, यहाँ तक आपको हाफ तक इसमें इस तरह से एम्ब्रॉयडरी मिलने वाली है। काफ़ी प्यारे फ्लावर हैं, ये देख सकते हैं आप। और काफ़ी ब्यूटीफुल सा इसका कलर है, पिस्ता ग्रीन कलर, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है जो कि आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको 4-5 कलर और अवेलेबल हैं। और इसका मटेरियल है रेयन का, और इसका MRP है 386 रुपीज़। और ये कुर्ती काफ़ी लॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि इसका MRP कम है, तो ये लेंथ में कम होगी। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है इसकी लेंथ, आपकी नी से नीचे ही आएगी है। काफ़ी ज़्यादा प्यारी है और बहुत ही अच्छा इसका भी मटीरियल है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा मटीरियल है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी। मैंने एक साड़ी भी जो है वो परचेज की थी, ये मस्टर्ड एंड पिंक कलर की, कुछ इस तरह की है। ये है इसका ब्लाउज पीस पिंक कलर का, और ये है हमारी पूरी साड़ी में इस तरह का बॉर्डर आपको दोनों ही साइड मिलने वाला है साड़ी के, इस तरह से नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी आपको यही बॉर्डर मिलने वाला है पूरी साड़ी में। बाकी पूरी साड़ी एकदम प्लेन है, बस ये बॉर्डर आपको जो है वो पूरी साड़ी में मिलने वाला है इस तरह से। और ये है इसका पल्लू, काफ़ी छोटा सा पल्लू दिया हुआ है। क्लोथ में शाइनिंग तो काफ़ी ज़्यादा है, पर ये साड़ी की क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है, बहुत ही ख़राब क्वालिटी यहाँ पर हमें मिली है। सिल्क, वैसे तो इसका मटीरियल है सिल्क का, बट बहुत ही वीक वाला सिल्क है, बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इसकी क्वालिटी। और आप देख सकते हैं जो इसका बॉर्डर है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो इसका बॉर्डर है इसे यहाँ से सिर्फ काट के, और ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ से जलाया गया है, पूरा ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। तो ये साड़ी मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, बहुत ही ख़राब क्वालिटी है। बात करूँ इसके MRP की, तो ये 720 रुपीज़ की मुझे मिली है। उसके अकॉर्डिंग ना तो इसकी क्वालिटी अच्छी है, ना ही इसकी फिनिशिंग अच्छी है, बहुत ही खराब क्वालिटी है। तो इसको तो करूंगी मैं रिटर्न।
फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो? अच्छी लगी हो या आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।